अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, का क्या हाल है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं इतने दिनों के बाद क्यों आया हूँ। मैं इतने दिनों के बाद इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे स्कूल खुल गए हैं, तो आप लोग भी सोचते होंगे कि क्यों नहीं आया। तो इसलिए मैं नहीं आया क्योंकि हमारे स्कूल खुल गए हैं। तो मैं सुबह 6 o'clock उठता हूँ, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर अपना रेडी होता हूँ। 7:15 पर हमारा स्कूल खुल जाते हैं, फिर हम लोग स्कूल जाते हैं। 8 hours का हमारा स्कूल लगता है। 3 o'clock हम लोग स्कूल से वापस आते हैं। स्कूल से वापस आकर हम लोग नानी के घर जाते हैं क्योंकि नानी का घर हमारे स्कूल के नज़दीक है, तो फिर इसलिए हम लोग उधर जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग रेडी होकर काली साहब के पास जाते हैं, और काली साहब हमें 6:30 या 7 o'clock छुट्टी देते हैं। 3:30 से लेकर 6:30 या 7 o'clock तक हम लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, अपना सुनाते हैं काली साहब को। तो फिर हम लोग जब नानी के घर जाते हैं, हम अपने वो रख देते हैं, हम अपने वहाँ पर रखने जाते हैं हमारा अपने स्पार्टे रखने के बाद हम लोग 8 o'clock हमें हो जाते हैं घर आते आते। फिर हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं घर आकर, हम लोग अपना होमवर्क करते हैं, साथ में कुरान मजीद का सबक याद करते होते हैं। जैसे हमारा वो ख़त्म होता है तो फिर हम लोग सो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, पर आज मैं आप लोगों के साथ आ गया हूँ। अब सैटरडे संडे को हमारी ये रूटीन नहीं होती, तो सैटरडे संडे को मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह मैं वीडियो एक या दो एवरी सैटरडे संडे में अपलोड किया करूँगा। और एक और बात, मेरे ना 3 hours के बाद मेरे ख्याल से मैं लाइव आऊँगा, मैं क्योंकि कहीं दूर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको मैं सारी जगहों को बताता जाऊँगा, दिखाता जाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे साथ रहना आप लोग। क्वींस जा रहे हैं हम लोग, क्वींस जा रहे हैं। हमारे वहाँ पर मामा के एक दोस्त हैं, तो उनका बेटा हमारे साथ खेलता है, हमें लाइक भाइयों की तरह मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका प्यारा ली है। तो जी, तो फिर ये फिर मम्मा कल मेरे लिए एडिडास के शूज़ लाए थी, ये आप देख सकते हैं सैन एडिडास का जी, ये बड़ा प्यारा लग रहा है, स्मूथ है। तो ये मेरे एडिडास के शूज़ हैं, और फिर ये जहाँ पर हम लोग जाने हैं ना, वो उनके बेटे के लिए मम्मा ने ये गिटार लिया, यूकेलेली। और इसके मैं आपको कुछ तीन हम बताता हूँ, इसका ना ये एक्यूरेट फ्रेट स्पेसिंग है, नाइलन स्ट्रिंग है, गिटार स्टाइल ट्यूनिंग गियर है ये इसका, इसका ये प्री ट्यून्ड है, ये रेडी टू प्ले है, ये प्री ट्यून्ड है। तो ये लाइक ये समझ लें कि एक असल वाले, वैसे इतना हैवी तो नहीं है। तो पीछे हम लोग जाएंगे तो वही सेम चीज़ें रखी हुई हैं मेरे ख्याल से जी, वही लिखी हुई हैं। और इसके कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, ये प्री ट्यून्ड रेडी टू प्ले है, ग्रेट स्टार्टर इंस्ट्रूमेंट है, और ऑथेंटिक लिखा हुआ है, यह सो प्राइम साइज है। तो ये लाइक बच्चों के लिए ठीक है। तो ये इसके आप लोग जैसे देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप लोग सामने कर लें, ये साइड का यहाँ पर जो कलेली लिखा हुआ है, इधर ये मेरा ख्याल है टिकटॉक ने डेवलप किया था, तो ये यहाँ पर टिकटॉक का साइन बना हुआ है, और वो यहाँ पर भी टिकटॉक का साइन बना हुआ है, यहाँ से खोलना है हम लोगों ने। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसके बारे में, और भी इसका बैग है, यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। तो ये हम इधर रख लेते हैं, जौन जौन चीज हम चीज़ें दिखाएंगे इधर रख के जाएंगे। तो गाइस इसके बाद अब है ये बेकरी कुकीज का सेट है, बेकरी सेट है, ये 16 इसके पीसेज हैं, ये एक शेफ की तरह ही है, जैसे शेफ लाइक कोई बच्चा शेफ
बनने कोशिश करेगा तो ये उसके लिए मेरे ख्याल से ठीक ही रहेगा, लाइक प्रटेंड प्ले करते करते अपना सीख ही लेंगे। ये आप लोग देख लें, इधर भी ये पीछे लिखा हुआ है बेफी सच है, ये 3+ से ऊपर है तो जी उसके लिए सूट रहेगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 8 ईयर्स ओल्ड है। ओ मैं तो बताना ही भूल गया कि ये किसके लिए है, सॉरी गाइस। तो ये ना उनकी बेटी के लिए हैं, जिसके जिनके घर हम लोग जा रहे हैं, हमारी वो खाला रखती हैं, उनके उनको खाला बुलाते हैं, तो फिर उनकी बेटी का नाम अनाया है, उसके ये ये लाइक उसके लिए ये मम्मा ने सेट ली है। ये आप लोग, मैं आपको सारी जगहें दिखाता हूँ, और वो जो उनसे यूके ले रही थी ना, वो उनके बेटे के लिए उसका नाम दानी आ जाए। तो ये मेरे ख्याल से मम्मा ने हमारे भाई उमर के लिए ली थी शर्ट, एक प्यारी सी, इसके ऊपर लाइक बॉक्सेस बने हुए हैं, ये डार्क ब्लू कलर में आई है, डिजाइन इसका बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, और इसका प्राइस तो नहीं मुझे पता चल रहा। इधर रख देते हैं, अब आगे हम लोगों का ये मम्मा ने लिमिटेड टू का ये 3 पैक्स में आया, ये 3 हैं ये आए हैं, इसके साथ ये एक क्रंची भी आई है, ये पहनने के लिए हमारी बहन के लिए, क्योंकि वो बहन के सारे जो उनसे कपड़े थे ना वो छोटे हो गए थे, तो इसलिए मम्मा लाई थी, तो ये आए। सॉरी मैं ज़्यादा ना प्राइसेस नहीं बताऊँगा, तो मैं बस आपको बस ये दिखाता चाहूँगा। इसके साथ हॉट क्रंचीज आई हैं, ये 2 हैं लाइक ड्रेसेस बहन के लिए, और ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये 1 है, और ये एक मिनट दोनों साथ अटैच है, सॉरी, तो ये 2 है, ठीक है। तो ये भी एक ड्रेस है बहन को। आगे ये हॉट 3 पैक्स में आए हैं, ये मेरे ख्याल से 2 है एक्चुअली, नहीं नहीं 3 है, तो ये 3 है 3 पीस ऑफ पजामास, और ये भी हमारी बहन के बहुत सारी पीस हम बहन के लिए आई हैं। सबसे ज़्यादा ना मुझे यही अच्छा लगे, ये मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें ना मेरे ख्याल से बहन के लिए नहीं, बहन के साइज़ के नहीं लग रही, ये मुझे पता है, वो हमारी खाला का ना बेटा हुआ था तो उस उसके लिए लाई थी मम्मा ये, तो ये उसके लिए। ये वाली पेंट हमारे मेरे ख्याल है भाई के लिए, सबसे छोटे भाई के लिए, खाला के बेटे के लिए, और ये भी हमारे सबसे छोटे भाई के लिए ही है। तो अब मैं आपको शर्ट दिखाऊंगा, ये शर्ट मुझे एक मिनट देखने से पता लगेगा, ये मेरे ख्याल से मेरे भाई की है, छोटे भाई की है या खाला के बेटे की है मुझे पता नहीं है, मम्मा को पता है, मैं मम्मा से पूछूंगा तो जब लाइव जाऊँगा ना तो मैं आपको बता दूंगा, पर वो ओल्ड नेवी की शर्ट है ये मेरे ख्याल से जी, ये भी मेरे भाई के लिए, बहन और भाई के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हैं। ये अब हम लोग करते हैं बिस्मिल्लाह, ये मेरी बहन के लिए मम्मा हेयर कैचेस ये ब्रेसलेट डायमंड वो लाइक पर्ल्स लाई थी पर्ल्स के, ये हेयर कचेस ब्रेसलेट्स नेकलेसेस ये लाई थी मम्मा बहन के लिए, तो ये पहन के जाएंगी आज बहन हमारी। तो ये आगे हम लोग, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लोशन हमारी टीचर्स हैं ना
23rd को जब हमारे आखिरी दिन रहेगा ना स्कूल का विंटर ब्रेक से पहले, वो क्योंकि दो दिन के बाद क्रिसमस होएगा, ये क्रिसमस प्रेजेंट होएगा टीचर्स का। ये फोर टीचर्स हैं हमारी, ये वाला अली की टीचर के लिए है जैसा आप देख सकते हैं, ये वाला जोन सा ये वाला है, ये मेरी जोन सी फोर्थ ग्रेड की टीचर थी ना, मैं तो अब सिक्स ग्रेड में हो गया हूँ, पर फोर्थ ग्रेड की जो मेरी टीचर थी उसके लिए मैंने ये मामा ने लिया था, कहा था कि अपने वो टीचर को देना, क्योंकि वो मामा को भी बहुत पसंद थी, मुझे भी बहुत पसंद थी मिस, उसका नाम था मिस हैम। तो ये आप लोग देख सकते हैं, और ये वो भी लाइक प्रेजेंट की जैसे टायर राउंड है इसके, ये भी दिखा दिया आपको, और ये नहीं बिस्मिल्लाह, ये हफ्सा की टीचर के लिए, और ये आखिरी मेरी जो सिक्स ग्रेड की टीचर है ना, ये मिस क्लाइन के लिए है जी, तो ये मिस क्लाइन के लिए है। तो गाइज आज के लिए बस इतना था, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जैसे कि आप लोग जानते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।